पीपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। विजय कुमार स्वामी सांसद डॉक्टर सी एन मंजुनाथ को मोदी कैबिनेट में शामिल करने के लिए कर रहे हैं पुरजोर फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 में सिद्धरामैया एंड टीम ने डीके सुरेश को हराने की साजिश की। तुमकुरु ग्रामीण भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा का दावा। कर्नाटक प्रदेश में मानसून की संभावना को देखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे हो गया सतर्क, आवश्यक सुरक्षा उपायों को किया लागू। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर रचेंगे इतिहास, राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। उड़ीसा में बदली शपथ ग्रहण की तारीख, 10 की जगह अब 12 जून को समारोह। कैबिनेट मंत्री पद को लेकर एनसीपी में घमासान, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बीच मतभेद। वोटर्स को धन्यवाद के लिए 12 जून को वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे आप और कांग्रेस, शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह भी पहुंचे पीएम आवास। राहुल गांधी और सोनिया 11 जून को जाएंगे रायपुर। मोदी सरकार 3.0 बीजेपी अपने पास रखेगी गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय। मोदी सरकार 3.0 में टीडीपी को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिला कम्फर्ट। शपथ ग्रहण से पहले अपने नए मंत्रियों से चाय पर मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। नेशनल वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद नेशनल वॉर मेमोरियल चार में मोदी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदैव अटल पहुंचे मोदी। राजस्थान के सीकर में देर रात लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। पुणे में देर रात भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, सड़क यातायात बंद। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ, नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। T20 वर्ल्ड कप, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज। हरियाणा के सोहना में बीटे के छात्र ने बिल्डिंग से कूद कर की आत्महत्या। पटना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ के जवान के समर्थन में आज मोहाली के किसान निकालेंगे मार्च। एक्सप्रेस में इतना ही, देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 24/7। धन्यवाद।